अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुलरहमान है। मेरा नाम हारिस है। ये हमारे चूजों का फूड है और ये बहुत मेहनत से तैयार हमने किया। सबसे पहले हम ये मट्टी लेके आए, फिर मट्टी को हमने कूटा है, फिर हमने वो ईंटें लेके आए, फिर हमने भी ईंटें लेके आए, फिर हमने खुदा तैयार किया। देखे ये सुराख भी रखे हैं कि हवा अंदर आए। फिर हमने देखे नीचे की भी बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ, इसके अंदर चिड़िया ना घुस जाए। ये जगह भी बनाई है कि पानी जर आए तो नीचे गिर जाए सीधा, और ये नीचे गिर जाए सीधा। ये जगह बनाई भी है कि पानी पानी नीचे चला जाए, और जो यहाँ पे गिरेगा वो यहाँ से ऐसे नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ईटी भी लगाई है। अब हम आपको अपने चूजे दिखाते हैं। ये हम आप चूजे दिखाते हैं। देखिए कितने ये मुर्गों के चूजे, देखो कितने बड़े बड़े हो गए। एक हमारा चूजा ये है, सबसे बड़ा चूजा हमारा ये है। सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा चूजा हमारा ये है। हमने अपनी मुर्गियों के बच्चे निकलवाए हैं अंडों में से, और हमारी आखिरी में हमारा ये बच्चा निकला है। और एक और था वो हमारा, हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इनकी नस्ल भी हमें पता है कौन सी है। इनकी नस्ल मिस्री है, ये इनकी नस्ल मिस्री हो। देखे ये हमारे बड़े मुर्गे हैं, इनके ये बच्चे हैं। देखे ये देखो ये मुर्गी है, मिस्री मुर्गियों के अंडे हैं ये। वो मुर्गा ये रहा, मुर्गी को मार रहा है मुर्गा ये रहा। और ये मिस्री मुर्गी बैठी है ना, ये दो मिस्री मुर्गी बैठी है, ये उनके अंडे हैं। सफ़ेद मुर्गी के अंडे थे, लेकिन ना उनमें से बच्चे नहीं निकले। ये जो हम मिस्री थे उनके बच्चे निकले हैं। देखें देखें ये देखो कितने होशियार हैं, देखें कितने होशियार हैं। देखो कितनी इनकी, देखो हम इनको बाजरा और खुराक खिलाते हैं, हम इनको खुराक डालते हैं, अच्छी वाली गोश्त वाली हम इनको खुराक डालते हैं, क्योंकि इनका जिस्म भरा रहे। अक्सर आपने देखा होगा और चीजों की सिप निकली हुई होती है नीचे से, लेकिन इनको देख ले इनकी ये जगह गोश्त भरा हुआ है। माशाल्लाह इसमें दो मुर्गे एक मुर्गी है। ओके बाय गाइस, ओके बाय गाइस, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर कीजिएगा।